हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह के 10 बज रहा है। मैं दिस इज़ माय सेकेंड ब्लॉग ऑफ यूट्यूब एंड ये मेरा यूट्यूब पे दूसरा ब्लॉग है। आई थिंक रिलेटेड टू विलेज एंड फार्मर, जैसे बोलते हैं खेती। ये जो है अभी मैं धान का खेत में हूँ। ओ गॉड, अभी मैं ये है जो है कि धान, जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए जितना मेहनत करता है, आई थिंक जन्म से लेकर के 18 साल या 18-20 साल तक, उसी तरह एक गरीब किसान, एक जो लाचार किसान, उससे कहीं ज़्यादा वह एक अपने जो खेती के लिए करते हैं मेहनत, आई थिंक बहुत हार्ड वर्क है। वो 3 से 6 मंथ तक वो इसी तरह से खेत को जो सिंचाई करता है, खाद देता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद फिर वो होता भी है, नहीं भी होता है, कभी जो है आंधी आ जाती है, कभी जो है बारिश काफ़ी हो गया, कभी बारिश नहीं हुआ। तो अभी अपने देश में खास करके सबसे गरीब है कोई है तो वो क्यों है, सबसे गरीब कोई है तो वो है कौन, हमारे किसान भाई। क्योंकि जो कि सबसे कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करता तो वो कौन है, हमारे किसान भाई, मगर सबसे गरीब अभी एक एक किसान को अन्न भी नहीं मिलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो उसके पास खेत है, ज़मीन है, सब चीज़ है, बट होता नहीं है। वो फसल जो लगाने के बाद फसल आने टाइम में नहीं होता, क्यों, आंधी आ गई या बारिश हो गई या हुआ तो उसके बाद जो है कि उसका रेट नहीं है मार्केट में, तो ये सब जो समस्या है। आज मैं बता रहा हूँ कि जो राइस खाते हैं, हर इंसान खाता है चावल, वो राइस कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसके लिए किसान हमारे कितना हार्डवर्क करता है, मैं ये दिखा रहा हूँ। ये जो है इसी से होगा धान, ये जो है धान का खेत है, ये अभी इसमें बहुत मेहनत, अभी इसका जो है रोपाई करने से 1 मंथ हुआ होगा, 30 दिन या 40 डे हुआ होगा, 2 महीने से और लगेगा। ये धान होने के बाद इसको फिर जन लगा के या तो लेबर लगा के इसका खेत को जो है कटाई करके मशीन में डाल के उसको धान निकाल करके उसके बाद वो फिर जो राइस बनता है, तो इतना मेहनत है। बट यही धान निकलेगा तो इसका रेट नहीं रहेगा, मतलब 1 कुंटल धान का रेट होगा 1000 रुपया या 1100 रुपया या 1200 रुपया, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इससे ज़्यादा मेहनत दुनिया में किसी भी काम में नहीं है। और मेहनत इसलिए है कि इसका आमदनी आता नहीं है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहना है कि किसान का आय को जो दुगुना करना है, किस आधार पर आय को होगा दुगुना, उसका इनकम ही नहीं है, उसका रेट ही नहीं है अनाज की, जो अनाज आज 2000 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, बिकता भी है, वही धान अगर किसान बेच दे 1000 रुपया कुंटल, तो उसी को जो है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उसका राइस निकाल के वो राइस का दाम हो जाता है 5000 रुपया कुंटल, 4000 रुपया कुंटल, मगर हर किसान के पास संभव नहीं है। वो मिल बैठा के उसमें जो मशीन लगा के लाखों रुपया की पूंजी इन्वेस्ट करके उससे धान से जो है राइस बना के वो अपना मार्केट में बेचे, आई थिंक ये नहीं है पॉसिबल, मगर उसका रेट नहीं मिलता। तो ये है धान, मैं दिखा रहा हूँ अपने बैक कैमरे से, जहाँ तक देखेगा पूरे पूरे धान का खेती है।